सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर एलएलपी एक्ट 2008 पहले क्यों? बड़ा सिंपल आंसर है सर, बिजनेस लॉ में टोटल 5 एक्ट हैं और अगर हम 5 एक्ट को देखें, उनके कंटेंट को ध्यान दें, तो एलएलपी एक्ट 2008 इकलौता ऐसा एक्ट जो सबसे शॉर्ट और सबसे ज्यादा ईजी होगा आपके लिए मार्क्स गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आज की इस वीडियो में करने क्या वाले हैं, हम दो क्वेश्चन की बात करेंगे, उन क्वेश्चन को लिखेंगे साथ में, उसका एक प्रॉपर बिजनेस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सीए फाउंडेशन लेवल में सॉल्यूशन कैसे लिखना चाहिए वो भी बताएंगे। बट सर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या करना है सर बिजनेस लॉ में? अगर हम पास ईयर के रिजल्ट्स को ध्यान रखें, पास अटेम्प्ट जो टोटल 4 अटेम्प्ट हुए हैं, बच्चे बिजनेस लॉ में फेल हो क्यों रहे हैं? बिकॉज लिखने की आदत नहीं है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है, बीइंग अ सिटीजन आपको लिखना जरूर है और यही रीजन है मैं भी आपको लिख के दिखा रहा हूं। मैं चाहता तो क्वेश्चन लिखता, सोल्यूशन आपको बोल देता, बट नहीं सर, आपको वो करना है जो मैं भी करूंगा, आपके साथ उतना ही एफर्ट डालूंगा सो दैट आप समझ पाओ मैं लिख रहा हूं तो आपके लिए लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सर पहला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी पार्टनर को एलएलपी एक्ट 2008 में सीज कैसे कर सकते हैं मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एलएलपी माइंड में आता है तो एक सिंपल सी बात है, एलएलपी है क्या सर? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, जहां पे कंपनी के कुछ फीचर्स और पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स को कंबाइंड करके हम एलएलपी एक्ट 2008 बनाते हैं। जिन बच्चों को कंसेप्ट में दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा विद अमेंडमेंट मिलेगा। अब जरा बात करते हैं आगे, अगर हम किसी पार्टनर को सीज करना चाहते हैं एलएलपी में मेंबर या पार्टनर बनने से, तो हमारे माइंड में आंसर के लिए दो पॉइंट आने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, उस एलएलपी एक्ट का एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं, सबसे पहला पॉइंट, एग्रीमेंट है पार्टनर के बीच या नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर ये दो सिनेरियो हम देख के चलते हैं तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो पार्टनर है उसको हम सीज कर सकते हैं या फिर नहीं। 30 डेज का इंपॉर्टेंस क्या है, पब्लिक नोटिस कब देनी है, साथ में और कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस अवेलेबल हैं, लाइक वो पार्टनर की डेथ का होना, डिसोल्यूशन का होना या फिर कुछ ऐसे और पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट कंसीडर जरूर करने। आई चेक करते हैं, जहां अंडरलाइन करूंगा लिखना साथ में अंडरलाइन भी जरूर कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ एन एलपी, वो पार्टनर ऑफ एलएलपी में सीज कैसे हो सकता है, कैसे हम उसे रोक सकते हैं? जरा देखो, अ पर्सन में सीजेस टू बी अ पार्टनर इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट, जो पहला पॉइंट जो मैंने आपसे बोला, दिमाग में दो बातें रखनी है, एग्रीमेंट की अवेलेबिलिटी या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो लिखा गया अ पर्सन में सीजेस टू बी अ पार्टनर इन अकॉर्डिंग विद एग्रीमेंट और इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, जहां पर एग्रीमेंट का एब्सेंस होगा, बाई गिविंग 30 डेज नोटिस, ये जरूर लिखना है सर और आपको यहाँ पे अंडरलाइन जरूर करना है। एक बात और, बिजनेस लॉ का आंसर किससे लिखेंगे सर आप लोग? ब्लैक पेन से लिखेंगे, आईसीआई अथराइज करता है, पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा। सो सिंपल है, अगर एग्रीमेंट है फिर तो टेंशन नहीं, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 30 डेज का नोटिस देना है। सर आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन शैल ऑल्सो सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर क्या क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जो 30 डेज का नोटिस है देना किसको है सर? जो अदर पार्टनर से, या यू कह लीजिए अदर पार्टनर ऑफ एलएलपी, क्लियर पॉइंट ना। अब जरा देखते हैं और कौन कौन सी सिचुएशंस अवेलेबल हैं। पॉइंट 1, ऑन हिज डेथ, सर डेथ होगी तो सीज करने की जरूरत ही नहीं है, और डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी, अगर एलएलपी डिसॉल्व हो जाएगी इन दैट केस ऑल्सो अवेलेबिलिटी नहीं होगी। सेकेंड, If he is declared to be of unsound mind, आपको ध्यान है unsound mind क्या है सर? वो person जो सुन तो रहा है, समझ भी रहा है, बट react नहीं कर सकता। अगर react नहीं कर सकता या फिर समझ भी नहीं रहा है कह लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं unsound mind होगा, clear है? ये आपको contract free consent वाला topic बताया गया है, ठीक है? If he is declared to be unsound mind by a कॉम्पिटेंट कोर्ट, कोर्ट ने भाई डिक्लेयर कर दिया। थर्ड, इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजेड, वो अप्लाई कर रहा है एज एन इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, या तो वो इंसॉल्वेंट होने के लिए कोर्ट में अप्लाई कर रहा है। आपको ही पता है इंसॉल्वेंट की दो कंडीशन, लिख लीजिए, पहला है वॉलंटरी और दूसरा है बाई कोर्ट। जब आप खुद को डिक्लेयर कर दो कि हाँ मैं इंसॉल्वेंट हूँ, दूसरा आपका कोर्ट का जजमेंट आप पर आ जाए कि भाई आप इंसॉल्वेंट हो, क्लियर है ना? इसको मेंशन कर लीजिएगा, तो इस केस में भी सीज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू आरओसी, ये एलएलपी रिलेटेड होगा, हुम अ पर्सन बिकम और सीजेस टू बी अ पार्टनर और फॉर एनी चेंज इन पार्टनर। सो ये ध्यान रखेंगे,
किसी भी तरह के पार्टनरशिप के फॉर्मेट में, पार्टनरशिप इन द सेंस यहां पर बात हो रही एलएलपी के पार्टनर्स के बारे में, उनके रिलेशन में कोई भी चेंज आता है तो सिंपली पॉइंट मेंशन किया गया है नोटिस इज रिक्वायर्ड। सर अब इस पूरे आंसर में तीन बातें जो हमें ध्यान रखनी है आंसर लिखते वक्त। सबसे पहली बात जो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं आप भी मेंशन कर लीजिए, एग्रीमेंट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। पॉइंट नंबर टू, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन दो पॉइंट पर आंसर लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करेगा 30 डेज। सर याद रखने के तरीके, कई बार लोग बोलते हैं सर बिजनेस लॉ आ तो जा रहा है बट लिखे कैसे समझ नहीं आ रहा, बड़ा ही सिंपल है। जब मैं इस आंसर को लिख रहा था मेरे माइंड में था, मैं आपको चीज़ ज़रूर बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा आंसर आपको माइंड में कैसे रखना है। पहला, एग्रीमेंट है क्या, अगर एग्रीमेंट है तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट पार्टनर सीज हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन पार्टनर तो 30 डेज का नोटिस देंगे। किसको सर, अदर पार्टनर्स ऑफ एलएलपी को नोटिस देंगे, उसके बाद हम पार्टनर को सीज कर सकते हैं। दो पॉइंट हो गया ना। तीसरा, अदर सर्कमस्टेंसेज, आपको रट्टाफिकेशन से दूर रहना है, ध्यान रखिएगा लॉ में। अदर सर्कमस्टेंसेस ब्रैकेट में आप इंसॉल्वेंट लिखिए, ऑब्लिक करके डेथ लिख लीजिए, ऑब्लिक मतलब आइए एंड लगे क्योंकि दोनों एक बात नहीं है, इंसॉल्वेंट एंड डेथ, तीन पॉइंट हो गए। और पॉइंट नंबर फोर, कंक्लूजन पे जाइएगा और ब्रैकेट में नोटिस रिक्वायर्ड ऐसे लिख लीजिएगा। सर ये पूरा का पूरा आंसर इन चार पॉइंट पर ही बेस्ड है, समझ आ रहा है ना। आपको जब भी आंसर लिखना है तो कुछ उसके मेन हेड पॉइंट को बाहर निकाल लेना है, आपका पूरा फोकस पर होगा। अब अगर क्वेश्चन आता है एक पार्टनर सीज कब होता है, तो माइंड में चार ऑप्शन आएंगे, एग्रीमेंट है कि नहीं, पॉइंट नंबर टू, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पॉइंट नंबर थ्री, आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा कि जो बंदा है वो और कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, ब्रैकेट में क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ, एट द एंड नोटिस की रिक्वायरमेंट क्या है, ये कंक्लूजन है। सो आप इस पहले आंसर को फटाफट से नोट कर लो। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बार पेपर में अभी तक पूछा भी जा चुका है। बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है और आने वाले एग्जामिनेशन में भी इसके आने के चांसेस बेहद ज्यादा होते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एक बात समझाता हूं, ये वो क्वेश्चन है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कुछ ना कुछ मिस्टेक करते ही करते हैं। सर आप पूछोगे ऐसा क्यों, एक सिंपल सा आंसर बताता हूं। अभी जो क्वेश्चन नंबर वन हमने आपको प्रैक्टिस कराया, जहां पे हमने बॉटम में आपको उसके चार पॉइंट दिए, वो की पॉइंट जिससे आप पूरा का पूरा आंसर याद रख सकते हो, रट्टाफिकेशन से दूर भी हो सकते हो। सेम ऐसे इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद भी जरूर बताऊंगा, बट ध्यान रखो इस क्वेश्चन में जो बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो क्या है, देखो जरा समझना। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आपको मिस्टेक समझाता हूं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। सर वो कौन से एलिमेंट हैं जो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, रिपीट करता हूं, एलिमेंट जानने हैं जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के लिए रिक्वायर्ड है। एंड पॉइंट नंबर टू, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ऑल्सो मेंशन द प्रोसेस। सर यहाँ पर प्रोसेस है, यहाँ एसेंशियल एलिमेंट है, बट एंड पॉइंट सेम है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अब बच्चा मिस्टेक क्या कर रहा है, अगर आप अपने बिजनेस लॉ की बुक उठाओ जिसमें आंसर प्रॉपरली मेंशन है, वो आंसर मेंशन है प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अब आप क्या करते हो, आपने वहां से पढ़ा, बट सर वो पॉइंट्स भी दिए गए हैं, बट होना क्या है, हम वहां तक नहीं पढ़ रहे तो आंसर हमारा कहेंगे सेंट्रलाइज्ड हो जाता है और हम इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया तो लिख नहीं रहे, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा आंसर लिखना है। स्टार्ट करते हैं, जरा देखो हमें सर इस लाइन को क्या बोला जाता है, सर ये लाइन बोली जाती है फॉलोइंग लाइन। और हाँ ध्यान रखना, सुबह भी बोल चुका हूँ कि ब्लैक पेन यूज़ करना है, ठीक है ना। फॉलोइंग लाइन यहाँ पे भी मैंने वो यूज़ करी है। हमेशा आंसर जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर एक्ट लिखे कि नहीं लिखे, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्ट लिखा था, नहीं लिखा था ना, इस क्वेश्चन में लिखा है बिकॉज रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब हम किसी की इनकॉर्पोरेशन की या प्रोसेस की बात करते हैं, दैट मींस वहां पे कहीं कहीं लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हो गया। अभी लीगल डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल हो रहा है, अगर आ रहा है, तो वो एक्ट भी घसीट लाओ, समझ आ रहा है ना। चलो चेक करते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एक्ट 2008 द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी इन इंडिया। जरूर लिखें बिकॉज एलएलपी एक्ट 2008 भारत के लिए, किसी और देश के लिए नहीं, क्लियर है ना, तो ये मेंशन कर दीजिए। अब क्या क्या प्रोसीजर देखते हैं, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट में मेंशन करें या फिर आइडर 1, 2, 3, यू कैन ऑल्सो राइट ए बी सी डी एंड ई, बिकॉज हु नो एच कौन से पॉइंट पे आ रहा है, मेंशन कर सकते हो, क्लियर। चलो चेक करते हैं, पॉइंट नंबर वन, कंप्लीट एंड सबमिट द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास कंप्लीट एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन कॉर्पोरेशन उसको आप सबमिट करना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जैसा बताया गया है, ऐसा नहीं कि कोरे कागज पे लिखा और पहुंचा दिया ये लो, है ना, ऐसा नहीं करना। सेकंड, हैव एटलीस्ट
टू पार्टनर्स, अगर आपको क्लियर विजिबल नहीं है तो बोलो साथ में लिख लो, टू पार्टनर्स होने चाहिए, आइदर इंडिविजुअल हो या फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो। सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? सर इंडिविजुअल बोले तो हम और आप, बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो CTC फैमिली हो गई और कोई और प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइक CTC प्राइवेट लिमिटेड, CTC क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड और कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, अगर हम मर्ज होकर काम करते हैं तो आप कैसे LLP एक्ट अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेंगे, हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। सर यहाँ पे होना चाहिए, आप बोलोगे ऐसा क्यों? सर यहाँ पे मेंशन करिए बिकॉज अगर कम्युनिकेशन करना है तो पॉसिबल हो पाया। अब आप बोलो सर इंटरनेट के थ्रू ईमेल भी तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP के लिए एसेंशियल एलिमेंट है जो हमें मेंशन करने, अपना दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट, अपॉइंट एटलीस्ट टू इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल बोले हैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, एज DP डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर क्यों? जो भी एक्ट परफॉर्म होगा किसी भी एक्ट के लिए ये जो दो पार्टनर होंगे यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। सर क्या क्या बात निकल के आई? पहला, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो होगा उस फॉर्म को हमें कंप्लीट करना है, देन सबमिट करना है, क्लियर है ना। सेकेंड भी हमने क्या करा कि वो जो दो लोग हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। थर्ड हमने क्या बोला, हमें चाहिए DP डिजिग्नेटेड पार्टनर, DP व्हाट्सएप वाले DP सर, हमें चाहिए DP, दो बंदे ऐसे चाहिए जो एज अ डिजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किए जाएंगे। क्यों करना है सर? बिकॉज किसी भी काम के लिए वो क्या होंगे, लायबल होंगे, किसी भी एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्लियर। जो ऑफिस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए सर? सर इंडिया में होना चाहिए, सो दैट कम्युनिकेशन इजिली हो सके। नेक्स्ट, ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड होल्ड अ डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर क्या है? DPIN, DP ध्यान रखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर IN क्या है सर? आइडेंटिफिकेशन नंबर। किससे मिलना चाहिए? अलॉट बाई MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इनको DPIN मिलना चाहिए, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट एंड नेम द LLP। जब सब कुछ हो जाए तो एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करो और LLP का नेम मेंशन करो, बट LLP का नेम रखते वक्त मेक श्योर नेम ऑफ LLP शुड बी डिस्टिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एंड एग्जिस्टिंग कंपनी नेम, जो नाम है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे अलग होना चाहिए। तो जरा समराइज करते हैं पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्या क्या बात करी हमने? हमने पॉइंट नंबर 1 पे आपसे बोला कि सर हमें क्या चाहिए, हमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिख लो साइड में, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म चाहिए जो कि कंप्लीट हो, हम रजिस्ट्रार के पास ले जाएं। पॉइंट नंबर 2 पे हमें 2 पर्सन चाहिए, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं एंड बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। सर पॉइंट नंबर 3 हमने बोला, सर ऑफिस कहाँ होना चाहिए, ऑफिस इंडिया लिख लो, सेंट्रलाइज करो। पॉइंट नंबर 4, सर 2 DP चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्यों चाहिए, किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पॉइंट नंबर 5, जो 2 DP हैं वो IN उनको मिला होना चाहिए। सर क्या है सर? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन देना चाहिए सर? MCA। और जब सारा पॉइंट हो जाए तो हमें क्या करना है सर? उस फॉर्म को एग्जीक्यूट करना है और नेम ऑफ LLP रख देना है। समझ आ रही बात क्या? इतना सारा लिखा है बट पॉइंट को सेंट्रलाइज करके चलना है। जब आप पूरा आंसर लिखने के बाद इसको शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिखोगे आपको और ज़्यादा बेहतर तैयार होगा। अब आपने आज रात 9 बजे की क्लास कवर की, आई एम श्योर आपने सुबह की 11 बजे की मैथ की क्लास और अकाउंट की 6 बजे की शाम की क्लास ज़रूर कर रखी है। रात को 10 बजे आपको इकोनॉमिक्स क्लास भी मिल जाएगी। अब अगली सुबह जब उठना तो सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, तब तक क्या करोगे? हमने आपको याद दिला दो, फिर से मैं याद दिलाता हूँ, मैंने बोला था 3 बार रिवीजन मस्ट है। पहला रिवीजन कब? हर दिन 12 से 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। कैसे होगा? सुबह 6-7 बजे उठो, 6-7 बजे उठो और सुबह के 2 से 3 घंटे जो पहले दिन की क्लास थी पूरा रिवाइज कर सकते हो, बड़े ही आराम से। आधे आधे घंटे की लेक्चर इसीलिए दे रहे हैं सर। सो अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जो था हमारा प्रोसेस फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। क्या प्रोसेस है? 3 प्रोसेस हैं, ऑलरेडी आपकी बुक में मेंशन है, थोड़ा डिटेल में दिखे आपकी बुक का, बिजनेस लॉ का, LLP एक्ट का। जब आप ओपन करोगे 4th चैप्टर है, आप पे 4th यूनिट कह लीजिए, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं ये भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 वो आपको दिया गया प्रोसेस फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। बट आप देखोगे आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, इसलिए हम थोड़ा और सेंट्रलाइज कर दिया। आओ सेंट्रलाइज किया बट आपको लिखना जरूर है। तो 3 प्रोसेस है बट पहले फॉलोइंग लाइन लिखेंगे, द फॉलोइंग थिंग्स टू बी इंश्योर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। 3 पॉइंट आंसर जाना है। पहला, नेम रिजर्वेशन, नेम अलग होना चाहिए। एक बात जो कॉमन ध्यान रखो, इधर देखो, ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3, समझ आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1,
फॉर्म टू, फॉर्म थ्री, तो तीन स्टेप, तीन फॉर्म, वन टू थ्री, क्लियर है ना। हाँ, बस नाम मत चेंज कर देना। तो पहले क्या करना, नेम रिजर्वेशन करो, नेम शुड बी डिस्टिंक्ट एंड न्यू, ठीक है। द फॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, आपको ई फॉर्म वन क्यों फिलअप करना है सर, ये चेक करने लिए कि जो नेम आप रखना चाह रहे हो उसकी अवेलेबिलिटी भी है कि नहीं। पॉइंट नंबर टू, इनकॉर्पोरेट एलएलपी, अभी नाम हो गया ना, तो डिटेल दो एलएलपी की और वो नेम मेंशन करो। सर मार करके ढक्कन चले गए, कोई बात नहीं, ढक्कन की हम लोग को जरूरत भी नहीं है, है ना। हाँ, अभी एडिट नहीं करूँगा, ध्यान से सुनना। डिटेल ऑफ एलएलपी, न्यू एलएलपी, यहाँ पे नई एलएलपी हमें मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर थ्री, एलएलपी एग्रीमेंट, ई फॉर्म थ्री में जाएंगे विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, 30 दिन के अंदर ई फॉर्म थ्री में जाना है, एलएलपी देना है। रिपीट करता हूँ, ई फॉर्म वन पे क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना है। ई फॉर्म टू पे क्या है, इनकॉर्पोरेट कराना है। ई फॉर्म थ्री पे क्या है, एलएलपी का एग्रीमेंट करना है। आई होप आपको दोनों ही आंसर समझ आए। अब आपको क्या करना है सर, अगेन अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो वापस से जाओ, पूरा आंसर दोबारा देखो। इस आंसर में हमने दो पार्ट में आंसर करा है, ध्यान रखना। ये तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन और किया जाएगा। आई होप आपको समझ आया है। अब क्या करना है वो भी सुन लो। इनको लिखने के बाद अभी अगली क्लास 10 बजे से है, ठीक है ना। अभी आपके पास तकरीबन ये वीडियो आधे घंटे से कम का होगा, तो जो टाइम बच रहा है उस टाइम पे फटाफट से जाओ, या तो डिस्क्रिप्शन चेक के वीडियो देख लो आप, जो अमेंडमेंट्स है वो तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद आप अपनी बुक उठाओ, बुक में जो पॉइंट्स है एक बार फटाफट सारे पॉइंट देख लो, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। मेक श्योर आप जो भी आंसर लिख रहे हैं सर, ब्लैक पेन से ही लिख रहे हैं, अभी से हैबिट डालनी है, सो दैट एग्जामिनेशन में जाओ तो किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो सके। तो चलो, शानदार रहो, पढ़ते रहो, मिलता हूँ अगली क्लास में।